नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल भ्रष्टाचार के आखट चाशनी में डूबा है, जहां दर्द से तड़पती महिलाओं से प्रसव के नाम पर 3000 का नजराना मांगा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने की बात करते हैं, बावजूद उनके गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल भ्रष्टाचार की आकंठ चाशनी में डूबा हुआ है, जिस भरोसे और उम्मीद के साथ लोग बिहार शरीफ सदर अस्पताल में अपना बेहतर इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें बेहतर इलाज तो नहीं मिल पाता लेकिन वे भ्रष्टाचार के शिकार जरूर हो जाते हैं। ये है बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मंगरा गांव निवासी रमनती देवी, जो अपनी पुत्री का प्रसव कराने के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल के कर्मियों के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर उनसे 3000 नजराना मांगा गया। तब ये 1100 रुपया एक अस्पताल कर्मी को देने को तैयार हो, लेकिन अस्पताल कर्मी अपनी मांग पर अड़े रहे और मरीज की परिजनों को भय दिखाते हुए कहने लगे कि आपकी मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, आप किसी प्राइवेट अस्पताल चले जाइए। लेकिन पीड़िता को मालूम था कि निजी नर्सिंग होम की फीस वो चुका नहीं सकते, तभी तो वो बिहार शरीफ सदर अस्पताल आई है। चमकी की बीमारी आ गया, परसौती बेहोश हो गया। तब लड़का से हमको बोले हैं ना कि मैडम 3000 रुपया लेंगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। तब हमको बेटा कह दिया कि जो खर्चा होगा मैडम से दे देंगे, 3000 ना देंगे, जो खर्चा होगा दे देंगे। कौन बोला डिलीवरी कराने के लिए? डिलीवरी कराने के लिए बोले हैं उजला वाला पहनले हैं, काला वाला नीचे का है, जो जोन बोले। अच्छा अच्छा, कितना पैसा मांगा जा रहा है? डिलीवरी हुआ या नहीं? 3000 मांगे। अभी डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो कितना होला के बाद कितना पैसा मांग रहे हैं? 3000 मांग रहे हैं तो हम 1100 रुपया दिए हैं। अच्छा, तो 1100 दिए हैं तो पूरा शराब रहेंगे, आपका मरीज ऐसे हो जाएगा, ले जाइए बाहर, तो हम बाहर ले जाएं सर। तुम कह ले क्या नाम है आपका? हमको नाम है रमनती देवी। कहाँ घर हुआ? मंगरा। यह पहली घटना नहीं है और पदाधिकारियों को इन सब बातों की खबर नहीं। पदाधिकारी भी कभी कभी खानापूर्ति करने की नियत से अस्पतालों का चक्कर लगाते रहते हैं। बुधवार को ही अनुमंडल पदाधिकारी शशांक राज ने एकंगरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य केंद्र की कुव्यवस्था को देख वो भड़क गए और स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई। वो अस्पताल में साफ सफाई का जायजा लेने के साथ साथ उपस्थित पंजी, दवा स्टोर, प्रसव कक्ष में जाकर मरीजों से हालचाल भी जाना, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि पूरे नालंदा जिले में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब इस बात से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं नालंदा जिले के अस्पतालों में व्यवस्था क्या है और करप्शन किस कदर पांव पसारे है। यही वजह है कि करप्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाने के बावजूद बिहार शरीफ का सदर अस्पताल भ्रष्टाचार के आकंठ चाशनी में डूबा हुआ है, जहां बिना नजराना के नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एकंगरसराय से धर्मेंद्र के साथ बिहार शरीफ से रजनीश की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।